नमस्ते, मेरा नाम आर्या है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हमारे पास में जो गांव है, उस गांव में एक बचत गट है और उस बचत गट में से एक महिला ने कर्ज लिया है और उन्होंने वो कर्ज अब तक वापस नहीं किया है। तो उसके पीछे की वजह क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही है, ये सब जानने की मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो सब जान लेना चाहिए। और वो जो उसने जो कर्ज लिया है, वो जो उसने वापस नहीं किया, उसके वजह से ना वो बचत गट की जो बाकी की महिला है उनके रिश्ते में दरार आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस महिला से और बचत गट के बाकी के महिलाओं से बात करनी चाहिए। तो चलिए फिर उनसे बात करने के लिए चलते हैं। नमस्ते, कैसी हैं आप? हम सब ठीक हैं। आप? मैं भी ठीक हूँ। क्या चल रहा है आपका? आज हमारे बचत गट की मीटिंग है ना, तो सब आ रहे अब महिलाएं हमारे बचत गट की, तो बैठे हैं। इससे बात कर रही थी कितना हिसाब है, कितना क्या है उसके बारे में। किसे आना हुआ और कौन है आप? मैंने सुना है कि आपके आपको बचत भी हमारे बचत गट में आना है क्या? नहीं, बचत गट में हमें नहीं सिर्फ आना है। चाहिए, वैसे हमें एक एक दो औरत औरत को चाहिए। निकलना है। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके बचत गट में नहीं आ रही, लेकिन आपके बचत गट के बारे में कुछ सुना था मैंने, इसलिए आई हूँ मैं आपसे बातचीत करने के लिए। क्या हुआ दीदी, आपने ऐसा क्यों क्या कहा कि आप मुझे ले सकते हैं, आपके बचत गट में एक जगह है। क्योंकि हमारे बचत गट में अब एक महिला की बहुत आवश्यकता है, और अगर उसकी आवश्यकता हम पूरी कर जाए हमारे बचत गट की, तो अच्छे से चलेगा हमारा बचत गट, फिर से नहीं बिखर जाएगा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रही, बिखरने जाएगा? मतलब मैंने आपके गांव के बचत गट के बारे में बहुत सुना है, आपके गांव में बहुत ज़्यादा बचत गट है और आपके गांव में जो बचत गट है उन्होंने सबने मिलकर आपके गांव में रोजगार उपलब्ध किया है, तो फिर आप अचानक ऐसा क्यों कह रही है। आपकी जानकारी तो बहुत सही है, लेकिन हुआ ऐसा है कि हम एक बचत गट में 10 महिलाएं हैं, और उसमें से एक महिला ने हमारे बचत गट से वो कर्जा उठाया, उसने वो पैसा लेके वो जो गई है, फिर ना वो मीटिंग पे आई, ना उसने दंड भरा और ना उसने हमें किस बात की जानकारी दी। अब वो पैसे उठा कर चली गई, वो जाने के बाद कितने कितने दिन महीने हो गए, रुको मैं आपको हो गए बता ना देती। 5 महीने या 4 महीने? हाँ ये देखो, ये 5 महीने से इन्होंने 70,000 का कर्ज लिया था हमारे बचत गट से, अभी और तक। उसकी व्याज भी अलग है, व्याज नहीं भरा। और ये देखो, ये उसका नाम है, और इसने कितना, हाँ 70,000 का कर्ज लिया है हमारे बचत गट से, 5 महीने से लिया हुआ है उसने ये कर्ज। अब उसका हम कुछ व्याज महिलाएं नहीं भरा है, कुछ नहीं भरा, व्याज भी बढ़ गई है। महिलाएं बार बार पूछ रही है मीटिंग में कि कब आएंगे पैसे, कब आएंगे पैसे। ऐसा क्यों किया उन्होंने, आपने बात की थी क्या उससे? हमने तो उसके घर जाके बात की, जब भी गए तब घर को ताला था। अब वो घर में मिली है हमको, हम भी गए थे सुबह बुलाने के लिए, बच्ची को भी अभी भेजा है बुलाने के लिए कि जाओ ला के, आज बुला के लेके, आज मीटिंग है। इसका और मतलब उसको आज वो आज आने हमने वाली है। बहुत आज हमने उसको बहुत डराया था, हम कहा, हमने बोले कि आज तू नहीं हाँ आएगी तो हम सब, हमें वो पैसा आज ही के आज ही दिन चाहिए, वरना सब महिलाएं लेके तेरे घर आ जाओगी। आज मेरे घर सब महिलाएं आके बैठती है मीटिंग के लिए कि तू बचत गट की अध्यक्ष है और तूने ये सब कारोबार किया है तो तू उसकी जिम्मेदारी ले। अगर ये मेरे गले में बात आ गई तो मैं क्या करूँ, मेरा पति तो मुझे घर में रखेगा ही नहीं। आपका बात करना सही है, आप सही कह रही है, लेकिन हमें उनसे भी तो पूछना चाहिए ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन तू ऐसा मिलनी करने के तो पीछे चाहिए वजह क्या है। मुझे, आज वो मैं आने वाली है ना, तो हम सब मिलकर उनसे कितनी बात बार मैं करते हैं। उसके घर जाऊँ, कितनी बार उसके घर के चक्कर लगाऊँ। ये तो बीमार है, आपको इसके बारे में मालूम भी नहीं, इसका भी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ये पैसा भरती है ना बचत गट में। आप कैसे करती है फिर? करते हैं थोड़ा बचत करते महीनों का, उसमें एडजस्ट हो जाता सब। कौन कौन है आपके घर में? मेरा पति, मैं, मेरी सासू माँ। इसका अस्पताल के लिए इसको पैसे लग रहे थे, इसने भी बचत गट से कर्ज लिया और इसने इसका खुद का कर्ज खुद इसने फेंट डाला। ये तो अच्छी बात है कि आपने आपका कर चुकाया। ये कितनी अच्छी बात है, इसने खुद का कर्ज खुद ही चुकाया, लेकिन ये जो महिला ये नहीं दे रही है, अब क्या करूँ आप हम बता। शांत हो जाइए दीदी, हम सब मिलकर उनसे बात हमने ये करते हैं, बात उनसे पूछते हैं कि हमने ऐसे ये उसके पीछे बात वजह क्या थी। हमने ये बात सरपंच जी से भी बताई। मुझे तो इतना टेंशन आ रहा है, इतना टेंशन आ रहा है कि अगर मेरे घर वालों के बात पता चली तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मुझे बोलेंगे वो पहले बचत गट बंद कर, तो वहाँ से बाहर आ जा, हमें कुछ ज़रूरत नहीं।
ऐसी बात नहीं दीदी, हम लेकिन ऐसे ही बोलेंगे, बात करेंगे उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैडम आप सुनिए, इस बचत गट से हमने हमारे महिलाओं को बहुत ज्यादा रोजगार प्राप्त करके लिया है। हमने ट्रेनिंग ली, हमने सब कुछ किया, हमने हमको वो जो निधि मिला है ना, उससे हमने हम सब महिलाओं में बंटवारा करके खुद का हमने व्यवसाय शुरू किया। ये बहुत अच्छी बात है दीदी, मैंने भी आपके गांव के बारे में बहुत सुना है। अगर फिर से ये हमारा गट भी खर्च गया तो ये सब पैसा चुकाएंगे कैसे, इस बात की मुझे टेंशन है। वो सही है दीदी, हम बात करेंगे उनसे, बात करके। अगर बचत गट की हर औरत ऐसी करने लगेगी तो बचत गट का क्या होगा बताइए। नहीं दीदी ऐसा नहीं करेंगे, बाकी के बचत गट ठीक से चल रहे हैं ना, आपका भी बचत गट ठीक से चलेगा, हम बात करेंगे ना उनसे। शांत हो जाइए दीदी, हम बात करेंगे। मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है। देखिए तो आपके बेटी को बुला करो, आ रही है कि नहीं। वो गई तो है लेकिन आएगी क्या? नहीं, इतने दिनों से मैं सुबह सुबह उसके घर गई थी 6 बजे। मैंने उसको बोला तू आ जाएगी नहीं तो तुझसे मैं पैसा लूंगी पूरा का पूरा, मुझे कुछ भी मत दे लेकिन घर का फ्रिज बेच दे तू, लेकिन मेरे पैसे दे। टेंशन मत लीजिए, वो आएंगी, हम सब मिलकर बात करेंगे ना उनसे। मैं अभी फिर से जाती हूँ उसको बुलाने के लिए। उसकी भी कुछ न कुछ मजदूरी होंगी, उसके पीछे वजह कुछ न कुछ तो होंगी ना दीदी, हमें वो भी तो सुनने चाहिए, हम उन्हें ऐसा तो नहीं कह सकते ना। देखते उस महिला से बात करके उसके जुबानी सुनते वो आगे उसने इतने दिनों से वो मिली भी नहीं, हमें कुछ बताया भी नहीं। आज तो आएंगी ना, वो आज गांव में है इसका मतलब वो आएंगे, देखते वो क्या कहते हैं। जी देखो मेरी बच्ची लेके आई उसको, मन तो उसको गाली कर देने का कर रहे हैं फिर मेरा तो। दीदी आप शांत हो जाइए, आइए बैठिए। नमस्ते नमस्ते, कैसा चल रहा है दीदी आपका, घर में सब कैसा है? सब ठीक है मैडम। कब आए आप गांव में? अभी 2 दिन पहले आई मैं। कहाँ गई थी आप? वो मेरी बेटी है ना तो हाँ। उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और उसको और भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसके आंतड़ों में, तो उसके लिए पहला ऑपरेशन हुआ, बाद में फिर से उसको दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया था, तो उसी के चलते गांव में नहीं थी मैं, अपनी माँ के पास रहती थी, उधर से वो हॉस्पिटल पास में है ना हाँ। तो उधर ही मेरे इतने दिन चले गए। इसमें कितना सच है कितना झूठ भगवान को ही जाने। अरे दीदी आप पहले उसकी बात तो सुनिए। अरे मैं रिपोर्ट दिखा सकती हूँ आपको, तू मुझे बात भी नहीं मत करू, तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा, वो मैडम से बात करू। अरे दीदी अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इतने दिनों से हम इसके घर जा रहे थे तो पागल थे हम, पागल थे। अरे अरे दीदी आप शांत हो जाइए ना, पहले उनकी बात तो सुन लीजिए। जी मैडम जी। अरे क्या करे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे दीदी आपने वो कर्ज लिया था ना? हाँ, लिया वो आपने अब तक चुकाया नहीं और ना ही उसके हफ्ते दिए, तो इसलिए वो सब भड़क गई है आप पर। आपने ऐसा क्यों अरे किया? मैं मानती हूँ मैंने कर्जा लिया है, लेकिन मैंने आयश करने के लिए कर्जा नहीं लिया था, मेरी बच्ची के 2-2 ऑपरेशन थे उसके लिए मैंने कर्जा लिया और उसी का ऑपरेशन करवा के आई हूँ मैं। लेकिन दीदी आपने उन्हें बताया नहीं ना, और ना ही आपने उन्हें वो हफ्ता चुकाया। अरे हाँ मैं मानती हूँ मैंने नहीं बताया, लेकिन मेरे पीछे के कम भाग दौड़ नहीं थी, मेरी बच्ची की जान खतरे में थी, और तो उसको पहले देखती है, इनको मैं फोन करके बताती, तो मैंने अपने बच्चे को ही देखा पहले। तो ये मेरी मजबूरी थी, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया है, और हम भरेंगे पैसा भी, माना अब हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है हमारे पास, लेकिन हम कुछ ना कुछ करके देंगे, हफ्ता भरेंगे, आएंगे हम बचतगढ़ की मीटिंग को। अब आप ही बताओ दीदी, आपके अगर बच्चे को ऐसा कुछ होता तो आप आती मीटिंग में? आप आती ऐसे बार बार मीटिंग करने के लिए बैठने के लिए? लेकिन तेरा बताना फर्ज था ना, हम क्या सोचे हम क्या बोले, हमको भी ऊपर बोलना पड़ता ना, ये महिला मेरे घर आके बैठती है, तुझे इस बात की जानकारी है ना? अरे सही है दीदी आपकी, किस किस को मैं मुंह दूं? सही है दीदी, दीदी सही है आपकी बात, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, मेरा गुस्सा नहीं है किसी पर, लेकिन आज आप भी मेरी मजबूरी समझो ना, बच्चे का ऑपरेशन था, मैं कुछ ऐश करने नहीं गई थी बचत गट से पैसा उठा के। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे घर में दरार आ चुकी है, उसका क्या? नहीं मैं बात करूंगी भैया से, मैं बात करती हूँ, बताती हूँ मैं उनको कि क्या हुआ था असल में हमारे साथ और मैं क्यों नहीं आती थी। आप लोग ऐसा मत सोचो कि मैं पैसा लेके कहीं भाग गई या फिर मुझे कुछ और ही करना था, मैंने कुछ बताया और ही। मैं भी इस गांव की सदस्य हूँ ना, इस गांव की रहवासी हूँ मैं, इतने सालों से रह रही हूँ यहाँ पे, मेरा घर संसार पूरा यहीं पर है, कहाँ जाऊँगी मैं आपका 70,000 लेके? बात तो सही कर रही हूँ,
मेरे बच्चे इस स्कूल में है या गांव के स्कूल में है, मेरा खेत यहाँ है, सब कुछ यहाँ पे है। हाँ दीदी, आप जो कह रही हो सब कुछ सही है, लेकिन आपको आपको ये नहीं भी बताना चाहिए था ना। देखो अगर आप बता के जाते तो आपके रिश्ते में दरार नहीं आती, वो सोचते नहीं है। कोई ऐसे बात करते रहेंगे, आपको बताते, मेरे पास इतना छोटा सा फोन है, उसमें भी चार्जिंग रिचार्ज नहीं था, तो मैं कैसे करती। मुझे पहले अपने बच्चे को देखना था, मैंने पड़ोस वाली को बताया था, लेकिन वो भी गांव चली गई थी। इतने ये लोग आए गए घर पर, मुझे पता नहीं कितनी बार आए, किसको पूछा, लेकिन मैंने जिसके पास बताया था कि मेरे घर पर अगर कोई बचत गट से आए तो उनको बता देना कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। लेकिन तुझे कितनी बार फोन किया, तूने फोन भी नहीं उठाया हमारा। अरे वो फोन बिगड़ गया है दीदी, अब कैसे बताएं, हम कहा हम ऐसे बताएंगे कारण तो इनको लगेगा कि झूठी है। अरे दीदी, उनका कहना है कि उनके ऊपर जो भी समस्या आई वो सारी की सारी एक ही बार आ गई, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है हमें उन्हें उनकी बात समझ लेनी चाहिए, वो जो कह रही है उस पर विश्वास रखना चाहिए। औरतें होके भी हमारी बात नहीं समझ रही, इनको बच्चे नहीं है क्या दीदी, इतना आरोप लगाना चाहिए क्या? शांत हो जाइए, ऐसा कोई आरोप लगाता है क्या? हमें नहीं पता था कि हमारे सब दोस्त जैसे हम इसको समझते थे सबको, हमारी इतनी छोटी बात आप समझ नहीं पाए ना दीदी, आप नहीं, समझ रहने दो ना। दीदी रहने दो, मत रो, देख एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है, तू मत। अरे फिर आप लेकिन तुझे बताना चाहता था, 5 महीने हो गए हमें तो, तेरी भी बेटी है मेरी भी बेटी, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है। अरे लेकिन आपको पता है मेरे बच्चे इसी कॉलेज में, इसी गांव के स्कूल में सीखते हैं, मेरा पति यहीं पे काम है, हम काम करता है, हमारा खेत है, घर बार है, सब छोड़, सिर्फ 70,000 के लिए हम इतना सब छोड़ के निकल जाएंगे क्या? लोग भी वही बोल रहे थे, पैसे लेके चली गई होंगी। आपकी बात तो सही है दीदी, यानी तो फिर आप लोगों का ही सोचो, हम ना हमारा जो भी रकम है, दीदी नहीं सुनो आप, हमारा जो भी रकम है हम भर देंगे और उसके बाद हमें आपके बचत गट में नहीं रहना। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए, यह बचत गट हम सब ने मिलकर शुरू किया है ना, तो सब मिलकर खत्म करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम तो। लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी रहे तो पहले हमें बता दे, ये बचत गट के अध्यक्ष है ना, तो तुम्हें दीदी आपको इसे बताना चाहिए था। नहीं दीदी, हम मानते हैं हमारी भी कहीं ना कहीं गलती हुई है, हाँ, लेकिन हमने ये तो आपकी भी गलती हुई है ना, तो आप ये बचत गट क्यों छोड़ रही है बीच में? फिर देखिए वो आपको माफ कर रही है ना, आपको समझने की कोशिश कर रही है, तो आप ऐसा निर्णय ले रहे, ये तो गलत बात है ना दीदी। ये बचत गट हम सब ने मिलकर बनाया था और हम ये सब मिलकर ये बचत गट चल रहे थे, और तू कितनी होनहार है तुझे मालूम है ना, तूने कितने हमारे बचत गट के लिए कितने कार्य किए तुझे मालूम है ना, अगर तू ही जाएगी तो हमारे बचत गट का एक पहिया चला जाएगा। लेकिन आगे से अगर मेरे मेरे तरफ से भी ऐसा होता है तो आप लोग ऐसे नहीं मानो, ऐसे मत बोलो कि पैसे लेके भागे। हाँ लेकिन आप भी ऐसा मत कीजिए दीदी, अगर आपने किसी इसको बोला कि देखो ये पैसा लेके भागे, ये किसी और को बोलेगा, ऐसा करके पूरे गांव में फैलेगा ना। इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे दोस्तों ने, मेरे बचत गट की औरतों ने मेरे बारे में ऐसी बात की। देख सुन, तूने जानकारी नहीं दी, इसकी वजह से हमारे मन में गलत फहमी बन गई थी और हमने गृह धर लिया था कि तूने ऐसा किया है, लेकिन वो भी हमारी सोच गलत थी, ऐसा बर्ताव हमने हमें नहीं करना चाहिए था तेरे साथ। हाँ। लेकिन तू भी आगे से खबरदारी रख, ये सब चीजें हमें बताया कर, ठीक है? और चाहिए का तुझे कर्जा, बच्चे की सेहत अब अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है, बस उसी देख, तेरी जैसी बेटी है वो, वैसी वो मेरी ही बेटी है, उसको कुछ तकलीफ होगी तो हम सब महिलाओं को भी तकलीफ होगी। मैं बचत गट की महिलाओं से फिर से बात करूंगी, अगर तुझे और आवश्यकता हो तो तू लेके जा। नहीं नहीं, सब ठीक तो है ना? हाँ अब ठीक है, उतने पैसे में ऑपरेशन हुआ था, पहला ऑपरेशन 30,000 में हुआ, लेकिन फिर से उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ ना ऑपरेशन में, तो फिर से डॉक्टर ने उसे एडमिट करवा के लिया था, ICU में रखा था, उसमें 30-40,000 चले गए। लेकिन अब सब फिलहाल ठीक है, अब ठीक है, पैसा भी जितना था उतने में सब कुछ हो गया। ठीक है, तू सिर्फ एक फॉर्म दे हमें कि तुझे इतनी इतनी देरी लगेगी बचत गट के पैसा चुकाने के लिए, मैं महिलाओं से बात करूंगी। हाँ, मैं अर्जा कर देती हूँ कि मुझे सिर्फ दो और एक दो महीने की मोहलत चाहिए, ताकि मैं काम करूंगी ना और मेरे पति का भी पैसा आएगा, बेटे का भी, तो वो सब इकट्ठा करके मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी। और हम सब महिलाओं के, हम सब महिलाओं तुझसे माफी मांगते कि हमने तेरे बारे में ऐसा सोचा। नहीं रहने दो दीदी, अगर आपकी जगह मैं होती तो मुझे भी ऐसा लगता, क्योंकि दीदी है ना पूरे बचत गट का कामकाज देखती है, दीदी अध्यक्ष है, पूरी जिम्मेदारी पैसों की लाना, किसी को देना हो कुछ करना, पूरा इनकी जिम्मेदारी रहती है ना। तो अगर कुछ होता भी है, जैसे कि मैंने, अगर समझो मेरी जगह कोई और औरत होती और वो पैसा न लेके निकल ही जाती गांव से, कोई दूसरी औरत,
लेकिन उसके बाद पूरा इनके ही सर पर हाँ, आता ना, इनको ना, सब ना, देखना हमें पड़ता। वैसा लगा। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही सोचती, लेकिन फिर भी आपने मेरा साथ दिया है। आगे से इस बात की ध्यान रख तू, ठीक है? नहीं, और नहीं, हम सब माफी मांगते तुझसे। नारे दीदी माफी मत मांगो, और ये ख्याल फिर से मत मन में मत लाना कि तू बचत घर छोड़ के जाएगी, ठीक है? हम सब इकट्ठा हो गए तो इकट्ठा ही काम करेंगे, इकट्ठा शुरू किया था तो एक साथ ही हम बंद करेंगे, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उनके बात सुनी और अब आप भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। और दीदी आप भी हम गांव वालों एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो कोई बाहर वाला शहर वाला आके थोड़ी हमारा सहारा बनेगा। जी दीदी आपकी बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए दीदी आपको भी पहले उन्हें बताना चाहिए था। अरे नहीं दीदी, हमारे सारी औरतें हैं ना, सिर्फ हम 4-5 लोग ही नहीं है जो यहाँ पे है, और भी बहुत औरतें, और भी बहुत हमारे बचत गट है। हमारे गाँव के पूरे बचत गट की औरतें एक दूसरे को बहुत सहारा देती है, बहुत सपोर्ट करती है। ये तो बहुत, लेकिन मेरी भी कहीं ना कहीं गलती हुई थी कि मैंने किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि फिर मैं मतलब फिर से मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है और इतने दिन मुझे लगेंगे गांव आने में। मेरे घर का ताला देख के इनको टेंशन होगा ही ना। उनका टेंशन लेना भी जायज था ना दीदी, अगर आपकी जगह कोई और होता तब भी उन्हें इतनी टेंशन होती। नहीं दीदी, अब आगे से ऐसा कभी होगा नहीं, और जो भी होगा मैं पहले आपको बता के जाऊंगी कि मुझे पहले इनको बताओ, हमें हाँ। नहीं लेकिन इनको बताओ, ये सबको और बता आप आपके घर पे भी बताओ कैसा कुछ नहीं होगा हमारी। अरे तू घर वालों की चिंता मत कर कमला। अरे नहीं, मेरी वजह से अगर किसी और हाँ। को कुछ हो घर में, अगर किसी की प्रॉब्लम होगा तो अच्छा नहीं ना। ठीक है, तू घर वालों की चिंता मत कर, अपना ख्याल रख, अपने बेटे का भी ख्याल रख, ठीक है? और जैसे तुझे तेरे से होगा वैसा वो तू कर चुकता कर, ठीक है? और कुछ भी लगे तो इनसे आके बात कर। अरे और तुझे क्या हुआ था, इसने कोई बोल रहा था मुझे कि तेरा भी कुछ ऑपरेशन हुआ हाँ, है? हाँ मेरा भी ऑपरेशन हुआ, वो पेट में गांठी आई थी। अच्छा हाँ। तो तूने क्या किया, कैसे किया ऑपरेशन वगैरह, पैसे इन्हें से क्या लिए किया? थे पैसे मैंने, इसने भी बचत गट से लिया पैसा। तो कैसे फिरा? मेरा पति वो उसको दूसरी नौकरी लगी ना हाँ, क्या तनख्वाह अच्छी है उसकी वहाँ। हाँ देखो दीदी अब ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो दीदी हाँ, उन्होंने सब भरा, इसके घर में पति नौकरी करने वाला है हाँ। अगर किसी के घर में ऐसा होता है ना तो वो औरतें बचत गट का पैसा चुकता कर सकती है। लेकिन मेरा देखो, मेरा पति मजदूर है, मेरा बेटा अब तक कॉलेज जाता है, कुछ छोटा मोटा काम करता है, उसी से हम घर चलाते हैं। और ऐसे कोई बीमार पड़ता है, कुछ होता है, किसी को मतलब कुछ कभी पैसे देना पड़ता है, कोई कर्जा चुकाना पड़ता है, इसकी वजह से ना हमारे पास बचत नहीं रहती हाँ। तो इसके लिए ऐसा जब भी हम बचत गट से पैसा लेते हैं ना तो टाइम पर नहीं भर पाते। हर औरत का और हर घर का सिचुएशन एक नहीं होता हाँ, ना जी, अभी हाँ। देखो दीदी ने भी कर्जा लिया लेकिन उसको चुकाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हाँ। उनका पति जॉब करता है, अब ऐसा नहीं होता है ना। तो हमको भी, हमारे जैसे औरतों को भी बचत गट की औरतों ने समझ जी लेना दीदी चाहिए। हम समझते हैं, लेकिन आपके गांव में तब रोजगार के लिए इतने सारे संसाधन हाँ, उपलब्ध हाँ, उसका लाभ ले रहे हैं हाँ। और इसीलिए हम भी ये वचन देते हैं कि हम टाइम पर सब हमारा हफ्ता चुकता करेंगे। बस आप कोई बात नहीं, आप टाइम पर वो कर्जा वापस कर दीजिएगा और फिर से ऐसा मत कीजिएगा। नहीं नहीं, और आप भी ऐसी सोच मत रखिएगा दीदी, ठीक है? और आपने उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें समझने की कोशिश की, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं मैडम, हम गांव वाले और एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो जी जी बिल्कुल। धन्यवाद मैडम, आप यहाँ आए। धन्यवाद, आपने मुझे आपका वक्त दिया और उन्हें भी समझ लिया, शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। जैसे कि आप सबने देखा कि मैंने कहा था कि हम उस गांव में जाने वाले हैं और उस गांव के जो बचत गट है उनकी महिलाओं से बात करने वाले। जब हम उस गांव में गए तो पता चला कि उस गांव में एक नहीं बल्कि अनेक बचत गट है और उन बचत गटों ने अपने गांव में खुद का स्वयं रोजगार उपलब्ध किया है। उसकी वजह से उस गांव में जो महिला है उन्हें रोजगार के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता और वो रोजगार उन्हें अपने गाँव में ही उपलब्ध होता है। और उस गांव में जो एक ऐसा बचत गट था जिसमें दरार आ चुकी थी, उस बचत गट में से एक ताई ने कर्जा लिया था और उन्होंने वो वापस नहीं किया था। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कर्जा लेकर वो अपने बेटी का ऑपरेशन करने के लिए शहर गई थी और ये बात बाकी महिलाओं को मालूम नहीं थी। इसकी वजह से उन महिलाओं में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। लेकिन जब हम उस गाँव में गए तब हमने उनसे बातचीत करते दौरान हमें ये पता चला कि उनके बेटे का ऑपरेशन था। जब ये बात उन्हें भी पता चली तब उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब क्लियर हो गई और इस तरह से हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड यूज़ किया। और ये मेथड यूज़ करते वक्त हमने कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन,
लिसनिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, हिस्ट्री, इन सारे स्किल का उपयोग करके ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सफल किया। धन्यवाद।